हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ना एक अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात करने आई हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी जितने भी लोग हैं एक प्रैंक के चक्कर में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक तो गलत मैसेज जाता है और दूसरा ये है कि उनकी फैमिली पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तुझे पिछली बार की तेरे एक्स बंदे से बात करने से माफ कर दिया था, मेरी फैमिली ने तुझे एक्सेप्ट किया था, फिर भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, गलती, तू बच्ची है, खोल दे इसको। बस मैं देखना चाहता था ये वही लड़का है या दूसरा। इसने फोन नहीं खोला किसी भी एंगल में फोन नहीं खोला भाई इसने, किसी भी एंगल में। मैंने बहुत कोशिश करी तो उसके बाद हो गया वर्स्ट। तो भाई मुझे गुस्सा आया, मैंने मारा नहीं, मेरे को गुस्सा आया और मैंने जो प्रेस थी ना वो उठा के फोन के अंदर दे दी। वो फोन के अंदर इसलिए दे दी क्योंकि भाई किसी भी आदमी को गुस्सा आएगा, रात को उसकी बीवी 3 बजे कहीं लगी होगी तो, कि मैं तो अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, इसने नाम लिया उसका कुछ अंकित सीपी करके। तो गाइस यहां से लड़ाई शुरू हुई थी। ये बस भागी और सुबह हुई निकली घर से, एक दिन के अंदर या 1.5 दिन के अंदर इसने पेपर बनवा दिए। पेपर ऐसे नहीं बनते गाइस, पेपर्स बनने में टाइम लगता है, हर चीज लिखवाने में टाइम लगता है, सब कुछ प्री प्लान था, इसलिए सारी रिकॉर्डिंग्स की जा रही थी, इसलिए घर के अंदर 4 जगह कैमरे लगाए जा रहे थे, मैंने तो कहीं नहीं लगाए, इसकी फैमिली वाले आए मैंने तो कहीं नहीं लगाए, हम तो घर बसाना चाहते थे। घर लो जी ये पकड़ो जी पेपर्स, जो कि है ग्राउंड रियलिटी। अब बताऊंगा कहां से शुरू हुई थी, क्यों मैंने जो इन्होंने वीडियो दिखाई है कि कुछ सी भी पार से धमकी दी है भाई, वो उसकी बात करेंगे। ये है सारे पेपर, इसके अंदर थोड़े एड्रेसेस है गाइस, तो मैं ज्यादा आपको शेयर नहीं कर सकता। भैया मैं डाल रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स इस पेपर्स के सारे, कि पहले जो 1.5 करोड़ मांगे गए वो, और 1.5 करोड़ ना देने पर जब हमारी आपस में बातें बातें हुई तो हमारी आपस में चीजें हुई, तो इसको लेना था डिवोर्स में गया, इसके घर रोया, इसके पैर भी पकड़े, इसने आ जा वापस दे, ठीक है चीजें हो जाती है खराब, हर चीज मतलब कहते हैं ना कि जिसको घर बसाना होता है ना उसे गलती ना भी, क्यों वो चुकता है। मेरे को घर बसाना था, मैं चुका, मैं घर गया, मैं रोया, मैंने सब किया, और आपने देखा होगा फोन पे भी इसके आगे कितना रोया कि तब मैं कर रहा था ना सर जब तक उसे, लेकिन मैडम ने तो भाई साइन करने थे और मैडम तो यहाँ पर साइन करके देखे चली, मैं मजबूर था भाई, इसने साइन कर दिए तो भाई बाद में ये जो हुआ डील मैंने भी साइन कर दिए कि चलो ठीक है खत्म करते हैं, अब सब चीजें हो जाती है नॉर्मल। मैं इसको कहता हूँ अगले दिन मैं पेपर भेज रहा हूँ साइन करके, इसने तो कह रही है अब पेपर में होंगे चेंजेस, क्योंकि इस पेपर में देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, इस पेपर में लिखा हुआ है कि हृदय की कस्टडी हो जाएगी इसके पेयर मतलब पापा को, इसने तो डील कर दी, इसको जो पैसे चाहिए थे मिल गए, अब कस्टडी का है हृदय की। हाँ ये एफ पॉइंट पढ़ना, एफ पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं, एफ पॉइंट का जो इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ये पढ़ लेना, साफ साफ इसके अंदर मेंशन है कि हृदय की कस्टडी जाएगी भारत को। हाँ लेकिन ये मिलने आ सकती है, बिल्कुल मिलने आ सकती है भाई, माँ है तो आ सकती है, लेकिन फिर किसी ने ना इसको ये समझाया पागल है तू, तू बेवकूफी कर रही है, जो हृदय को दे रही है, हृदय तो कॉन्टेंट है, हृदय को मत दे, हृदय के नाम से तो व्यूज आएंगे, हृदय का तो चैनल भी है, तो हृदय तो कॉन्टेंट है, पैसा तो कमाना है मैडम को, और अगर मैडम को पैसा नहीं कमाना है तो भाई जिन दिन लड़ाई चल रही थी अगले दिन नेल एक्सटेंशन चल रहे थे, और मुझे अभी अभी जो है वो जान से मारने की गोली मारने की। अगर दोनों के पास इतने सारे प्रूफ हैं पहले से, आप सोच सकते हैं खुद ही दिमाग में, दोनों के पास पहले से ही प्रूफ है कि वो गलत है ये गलत है, लेकिन मैं किसी का भी साइड नहीं लेने के लिए आई हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर प्रूफ पहले से है मतलब आप दोनों के पहले से प्लानिंग चल रही थी कि आप दोनों को सेपरेट होना है और इस प्रूफ की जरूरत होगी। दूसरी स्नेहा सचदेवा ने अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने ये एक कमेंट किया था कि उन्होंने एक साइन कर दिया है अपने बच्चे को लेके कि उनका बच्चा जो है उनके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के पास ही रहेगा। तो आप ये बताइए कोई जो बिल्कुल पढ़ी लिखी औरत नहीं रहेगी, उसको कुछ नहीं पता होगा, थोड़ा सा सनकी भी होगी, पागल भी होगी, या कुछ उसको मालूम नहीं होगा दुनिया के बारे में कि दुनिया किस तरह से टॉर्चर करती है, वो औरत भी अगर माँ बन जाएगी तो वो अपने बच्चे का एग्रीमेंट कहीं भी साइन नहीं करेगी, चाहे आप पति के साथ रहो या मत रहो। तो इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा गलत लगा उनका, क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने पति के कहने के वजह से उन्होंने साइन कर मेरी,
लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा, चाहे मेरे बच्चे को कोई अपनी जान भी दे दे, तो भी अगर वो कहेगा कि अपना बच्चा मुझे दे दो या मुझे मत दो, एटलीस्ट के तौर पे आप जो है मुझे प्रूफ करके दे दो, कि साइन मार के दे दो कि ये बच्चा जो है मेरे पास रहेगा। ये गलती कोई औरत कर सकती है? आप मुझे ये रियलिटी, एक्चुअली ये मैं इसलिए आप लोग से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना इस चीज़ पे थोड़ा सा डाउट गया स्नेहा सचदेवा को कि उन्होंने साइन कैसे कर दिया। अगर उन्होंने साइन किया है तो उन्होंने साइन कैसे कर दिया, क्योंकि ये कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ औरत भी होगी तो अपने बच्चे का कोर्स के लिए साइन नहीं करेगी। ठीक है, आजकल लोग अगर हस्बैंड वाइफ भी सेपरेट होते हैं तो वो भी तब वो उस कंडीशन को मानती है, उस कंडीशन को तब स्वीकार करती है जब उसके मुताबिक जो है उसकी कंडीशन जो है मानी जाती है। और उसमें से अगर उसने 5 कंडीशन रखे हैं तो 4 एटलीस्ट कंडीशन को माना जाता है, तो जाके वो साइन करती है डिवोर्स पेपर पे। फिर आपने इतना बड़ा जो डिसीजन लिया बच्चे को उनको साइन करके देने का, ये यहाँ पे मुझे फेक लगा। और जो पब्लिक बोल रही है कि शायद ये ड्रामा है, पब्लिक स्टंट है, तो आई थिंक ये पब्लिक को कहीं ना कहीं लग रहा है। और मुझे इस बात पे, मैंने भी उनके वीडियो देखे बहुत सारे, फिर मैंने सोचा कि हाँ ये बात उनकी थोड़ी सी लग रही है मुझे कि भाई हो सकता है। दूसरा, उन्होंने बोला कि अप्रैल से उनको 3-4 बार टॉर्चर किया गया है। तो आप क्या हैं या औरतें हैं वो अपने हस्बैंड का एक थप्पड़ नहीं बर्दाश्त करती हैं? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अपनी ओपिनियन, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ कि अगर अभी जो है, अभी जो समाज का जो चल रहा है, पहले का जमाना तो है नहीं लेकिन अभी जो जमाना चल रहा है, इसमें अगर कोई भी वाइफ है वो एक थप्पड़ अपने पति को बर्दाश्त नहीं करती, फिर आपने 4 थप्पड़ खाए और बर्दाश्त कर लिया। दूसरी बात, आप अप्रैल से बोल रहे हो, अप्रैल आई थिंक अप्रैल से आप बोल रहे हो कि 3-4 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी है, तो 3-4 बार आपने कैसे सहा? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, दोनों ने एक दूसरे को प्रूफ कर रहे हैं, एक दूसरे का सामना कर रहे हैं कि ये पारस ठकराव जो है स्नेहा को गलत ठहरा रहा है, स्नेहा जो है पारस ठकराव को गलत ठहरा रही है। लेकिन इन दोनों का अगर प्रैंक है तो अभी भी मैं कहूँगी ये बंद कर दीजिए और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है टॉर्चर आपका बच्चा हो रहा है। और एग्रीमेंट साइन अप वाली बात पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सही है कि आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसके बारे में आप लोग सोचिए, क्योंकि वो बच्चा आप दोनों का है। जी हाँ, आप दोनों का बच्चा है और आप दोनों को उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप लोग ये पब्लिक स्टंट कर रहे हैं तो ये सोचिए कि उस बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो आप लोग का ये स्टंट ख़त्म होगा, तो उससे जब पब्लिक पूछेगी, लोग पूछेंगे तो क्या होगा उसके साथ, वो कितना टॉर्चर सहेगा। और सेपरेट होने के लिए मुझे नहीं लगता कि पहले से प्लानिंग की जाती है, या कई बार आपके साथ कुछ हुआ रहेगा तो आप अचानक कोई वीडियो या कोई प्रूफ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन इतने सारे प्रूफ, पारस ठकराल के चैनल पे अलग सा बहुत सारे प्रूफ दिखाए जा रहे हैं पारस ठकराल के द्वारा, नहीं है ये फेक है जो भी आप लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। अगर आप लोग का रियल है तो आप लोग इस मुद्दे को जो है पब्लिक में लाने से पहले, पब्लिक को प्रूफ दिखाने से पहले, आप जाइए गवर्नमेंट के पास जाइए, कोर्ट में जाइए, पुलिस के पास जाइए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होगी। आप खुद तो अपने फैमिली को बिगाड़ ही रहे हो, साथ में अपने पूरे परिवार को, जितने भी रिश्ते हैं, आपके इन झगड़ों की वजह से कोमल ठकराल का भी मुद्दा उठ रहा है, उनकी फर्स्ट बच्चा हो। अगर किसी की शादीशुदा लाइफ में किसी अदर जेंट्स का जो है बात होती है तो वहाँ पे ज़रूर उसके रिश्ते पे इफ़ेक्ट होता है। ये जहाँ जितने भी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, दोनों समझ सकते हो। अब आप दोनों के मुद्दे की वजह से किसी तीसरे का घर ना बर्बाद हो, उसके बाद आप लोग जो सीख दे रहे हो उससे कोई और स्टंट करके अपनी फैमिली ना बर्बाद करिए।